ये है क्योंकि चुनाव में अभी 1 साल को बचा हुआ है, लेकिन यह तय है कि बंगाल के अंदर में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि यहाँ के लोग अब समझ चुके हैं कि सीपीएम ने हमको कुछ नहीं दिया और टीएमसी ने ठगने का काम किया, और जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का इश्यूज है, जिस तरह से डेमोक्रेसी की रोज हत्या हो रही है, रोज विरोधी दल के नेताओं को पकड़ के जेल में ठूंसा जा रहा है, रोज महिलाओं के ऊपर में बलात्कार हो रहा है, और चाइल्ड एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नेशनल एवरेज से बहुत ऊपर जो है आज बंगाल है, और जिस तरह से साउथ दिनाजपुर में हम सब ने देखा एक शिक्षक उसकी माँ उसकी बहन को जो है पैर में जो है रस्सी से बांध करके सड़क में खींचा गया और उसके आयरन को रोड से मारा गया, और यहां तक नहीं उसको अपने घर पे बंद कर दिया गया। इस तरह के दुष्कर्म जो है हमारे टीएमसी के नेता करते हैं, तो ये बंगाल में कतई जो है मंजूर नहीं होगा, और यहाँ की समाज और यहाँ के लोग समझ चुके हैं हम सबको भी मोदी जी की आवश्यकता है, और 2021 में बीजेपी का सरकार बनना तय है। 200 से ज्यादा सीट जो है बीजेपी की बंगाल में 2021 में आएगी, और मुझे लगता है इसकी शुरुआत अब दिल्ली चुनाव से हो रही है। सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भाजपा का फोकल एरिया क्या रहेगा? देखिए बहुत सिंपल है, मैं आपको बताऊं, 47 वार्ड है, उसके अंदर में हम 30 वार्ड से ज्यादा जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अशोक दा बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे कॉरपोरेशन सिलीगुड़ी पार्टिकुलर कॉरपोरेशन को लेकर के अनदेखी और अन्याय हुआ है। यहाँ पे बजट पूरा आता नहीं है, पैसा समय पे आता नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। आप देखिए यहाँ पे बारिश हो जाता है तो शहर पानी में डूब जाता है, कोई ड्रेनेज का इश्यू सिस्टम नहीं है, यहाँ पे डंप यार्ड पड़ा हुआ है डॉन बॉस्को के बगल में, उसके कारण जो है जमीन का पानी खराब हो रहा है, लोग जो है उस पोल्यूटेड एयर के अंदर में रहने को मजबूर है, इसका कोई समाधान नहीं है। ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है, उसका जो है आज तक तो किसी ने ना कोई बात करता है ना उसका कोई समाधान करता है। मैं खुद दार्जिलिंग मोड़ के लिए मैंने पहल की कि डीपीआर बन जाए, लेकिन यहाँ की सरकार जो है उसके लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हमारा क्लियर कट स्टैंड है कि हम सिलीगुड़ी को साफ बनाएंगे, सिलीगुड़ी को स्मार्ट बनाएंगे, यहाँ की लोगों की जो सुविधाएं हैं अपेक्षाएं आकांक्षाएं उसको पूरा करने के लिए हमको जो है सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन जीतना है। और ये अच्छा है कॉरपोरेशन 2021 और दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार रहती है तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार जब काम करेगी तो मुझे लगता है सिलीगुड़ी वासियों को सही मायने में उनको न्याय मिलेगा। मेयर का आरोप है कि स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं दे रहा, तो क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए मैं इस बात से सहमत हूं क्योंकि सिलीगुड़ी में टीएमसी की सरकार नहीं है कॉरपोरेशन में, इसीलिए जो है सीपीएम के जो नेता है उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है। सो अल्टीमेटली ये पैसा तो जनता का है, सो अल्टीमेटली जो है जो बेनिफिशियरीज है वो तो पब्लिक है, लेकिन जो मेन अन्याय हो रहा है वो तो पब्लिक के साथ हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सॉरी।